भाई वन बाउंस दिखा सही दालन का कि नहीं? तो विनीत भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा ये सही डालो वन बाउंड जाल क्रॉस करने पर। बहुत बेहतरीन ये सईद का परफॉर्मेंस था। दो और एक बहुत बढ़िया सर्विस, इतना ही प्यारा पास। और ये प्रियांश नेट की बाहों से टकराते नजर आए। 3-1-3-1 सर्विस पर अलीम यादव। और फिर यहां पे ये जालिम दबाए गए दो ब्लॉकरों में। ये भाई आए सईद का डिफेंस समीर टू सईद आलम। शिवेंद्र विक्रम वंस अगेन ब्यूटीफुल अटैक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले सेकंड पे ये शिवेंद्र का प्रहार चालू कर दिया था यार। बहुत भयानक वन बाउंस था। राजेश भाई भी इस मुकाबले के साथ लगातार जुड़े हैं। रमेश प्रधान पड़वी 700 रुपए की नाम राजेश के लिए, मगर मुकाबले के साथ को जीतेगी 3-2। जंप के साथ ये सर्विस भाई जब 60 रिकॉर्ड हुआ तो रील कहां बनेगा? अगर 60 रिकॉर्ड हुआ होगा तो रील बनेगा। मैं वही सेटअप वोटअप कर रहा था तब तक लग गया वन बॉल। मैंने चालू कर दिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ। दो और तीन हाँ यार 10 सेकंड के बाद लाइव होता है ना। बेहतरीन यहाँ पे सर्विस शिवेंद्र विक्रम का क्रॉस, लेकिन साहिल चौधरी का डिफेंस। ये सालिम यादव आए और फिर यहाँ पे ये सईद आलम, ये श्रियांश। अंबर का ब्लॉक वहां पे रहा, अंबर ने अपने ब्लॉक के जरिए श्रियांश का रास्ता रोका। 4-2। जी हाँ ये कन्हैया सिंह बिल्कुल मदहोश। डॉक्टर कन्हैया सिंह ब्लॉक के सामने इनका मेडिकल हॉल है। भाई रात में कौन सा रोजा होता है? बोल बताऊं तो बगलिया बैठ के बगलिया तक के बताऊं तो अरे कमाल हो। हाँ जी सर्विस थी रजत की। अभय यहाँ पे डर का माहौल था अभय की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं रेफरी डिसीजन यहाँ अबे का टाई लाइन से दूर ट्राई कर दिया यहाँ फैने। क्या कर सकते भाई नहीं दिखा तो। 4-3-4-3 जालिमी यादव सर्विस मैन तैयार सर्विस के लिए, लेकिन वहां ये समीर गलत ट्राई 5-3। एक कदम और आगे निकल करके यहां 5-3। तो पैसा दे दो
लेकिन यहाँ अंडर ने ट्राई कर दिया जालिम ने सर्विस को, तीन साहिल का डिफेंस बढ़िया यहाँ पे, ये श्रेयांश ने हल्का सा किया, और फिर यहां पे एक और पॉइंट, 5-5 बराबर, 5-5 बराबर, और फिर बढ़िया यहां पे भाई साहिल चौधरी का किरात रहा, सईद ने संभाला, फिर उसके बाद सईद आए और यहां इजम के साथ सईद आलम का एक मरतबा फिर से आक्रमण, ये सईद आलम का आक्रमण और फिर 7-5 8-5 देखिए अब लगातार पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि पॉइंट के रथ पर सवार है टीम, 8-5 जरा सा पानी का इंतजाम कर दिया जाए, कमेंट्री टेबल को जरा सा पानी पहुंचा दिया जाए, प्यास बहुत तेज लगी है। अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास भी पानी का इंतजाम कर दिया जाए। ग्रीष्मस्थान भंडार रानी कुरमऊ गिरीश चंद्र प्रजापति, आइए शुक्रिया आपका। इस मुकाबले में कहा कि कमेटी के लोकल जलपान का इंतजाम है गिरीश चंद्र की जानिब से ग्रीष्मस्थान भंडार पर, फिर वही कहीं ना कहीं शोभा स्वीट्स भी इस मुकाबले के साथ देखे गए। 9-5 रजत चौधरी की सर्विस, 9-5 बेहतरीन सर्विस, और फिर यहां पे अमन हल्दर, ये फिर ये समीर शिवेंद्र विकरम दबाए गए ब्लॉक यहां पे किया गया शिवेंद्र का, 5-9 5-9 वॉल्यूम यादव सर्विस बटावे 9-5 9-5 बेस्ट ऑफ 3-15 पॉइंट का 3 सेट, और फिर कहीं ना कहीं ये पहला सेट चलता हुआ पहले सेट का ये आखिरी मरहला खत्म हो चुका है 9-5 पर। ये मुकाबला चल रहा है जंप के साथ, ये रजत चौधरी की सर्विस लेकिन टाई लाइन से दूर,
अरे कन्हैया भैया बैठ जा,
स्टॉप यहाँ पे दिया। 10-7 पर ये मुकाबला चल रहा है, चलता नजर आ रहा है। मुकाबले में कहीं ना कहीं ये हमारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले के साथ जुड़े हैं, इस मुकाबले की कामयाबी की जमानत है। बाबा प्रियासन देव की याद में ये शानदार सिहेल राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का बिल्कुल आखिरी मरहला अंतिम चरण में यह मुकाबला चल रहा है। टाइम आउट सेकंड बाय टीम भुवनेश्वर रेलवे। मेरे घर से हो रहा है 52 किलोमीटर दूर। वालेकुम अस्सलाम। सैफई की टीम नहीं है रमेश प्रधान पलरी की जानिब से, अगर भुवनेश्वर रेलवे इस मुकाबले को जीतेगी तो 800 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 800 रुपए का इनाम। तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। रामाश्रय बाबा अभी भी इस मुकाबले के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके अलावा हमारे बहुत सारे सीनियर लोग, बहुत सारे ये बुजुर्ग लोग जो इस मुकाबले के साथ लगातार जुड़े हुए, सभी सीनियर लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये गिरीश मिस्थान भंडार रानीपुर, गिरीश चंद्र जी का भी शुक्रिया जो इन्होंने ऐलान किया कि कल सुबह जल कमेटी का जो जलपान होगा इसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। वही शोभा स्वीट्स रानीपुर अपने बेहतरीन मिठाइयों को यहां पर ला करके ये महब्बतों का पैगाम दिया है, और शोभा स्वीट्स ने वादा किया था लाल चाय का, अभी तक इंतजार किया जा रहा कि लाल चाय आपकी कब आएगी। 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं लेकिन चाय का कहीं कोई नामो निशान नहीं। इसी बीच श्रेयांश, क्या बेहतरीन, 78 किलो का वजन दे दिया था श्रेयांश ने इस मर्तबा इस मैच के बीच। 12-7 और फिर इसी बीच ये 13-7 पर ये मुकाबला चल रहा है। रजत चौधरी और ये 14-7 ना कैप्टन नेरी, कैप्टन नेरी इस तरह से काम नहीं बनेगा भाई। भुवनेश्वर रेलवे की पड़ गया था प्यास का एहसास, तरिया देखकर हम पलट आए मगर पानी को प्यासा देखकर। आइए 15-7 से पहला सेट देवर आप सिहेल स्पोर्ट्स क्लब फतेहपुर को।